दारिद्र दहन शिव स्त्रोत्रम। दारिद्र दहन शिव स्त्रोत्र को करने के लिए माह का प्रत्येक सोमवार शुभ होता है। इसके अलावा इस स्त्रोत्र को आप प्रत्येक माह की प्रदोष चतुर्दशी, अमावस्या या पूर्णिमा की शाम को भी कर सकते हैं। इस स्त्रोत्र करने के लिए पुष्प और अक्षत हाथ में लेकर दारिद्र दहन शिव स्त्रोत्र का पाठ कर कर्पूर चंदन जलाकर शिवलिंग की आरती करें। तत्पश्चात हाथ में लिए हुए फूल और पुष्प शिवलिंग पर अर्पित कर दें। विश्वेश्वराय नरकाण्डवतारणाय कर्णामृताय शशिशेखरधारणाय कर्पूरकान्तिधवलाय जटाधराय दारिद्रदुःखदहनाय नमः शिवाय। समस्त चराचर विश्व के स्वामी रूप विश्वेश्वर, नरक रूपी संसार सागर से उद्धार करने वाले, कानों से श्रवण करने में अमृत के समान नाम वाले, अपने भाल पर चंद्रमा को आभूषण रूप में धारण करने वाले, कर्पूर की कांति के समान धवल वर्ण वाले, जटाधारी और दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। गौरी प्रियाय रजनीश कलाधराय कालांतकाय भुजगादिपंकणाय गंगाधराय गजराज विमर्दनाय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। के अत्यंत प्रिय रजनीश्वर चंद्रमा की कला को धारण करने वाले, काल के भी अंतक यम रूप नागराज को कंकण के रूप में धारण करने वाले, अपने मस्तक पर गंगा को धारण करने वाले, गजराज का विमर्दन करने वाले और दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। प्रियाय भवरोग भयापहाय उग्राय दुर्ग भव सागर तारणाय ज्योतिर्मयाय गुणनाम सुनत्यकाय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। संसार रूपी रोग एवं भय के विनाशक, संहार के समय उग्र रूपधारी, दुर्गम भवसागर से पार कर आने वाले, ज्योति स्वरूप अपने गुण और नाम के अनुसार सुंदर नृत्य करने वाले तथा दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। धर्मांबराय शव भस्म विलेपनाय भालेक्षणाय मणिकुंडल मंडिताय मंजीर पाद युगलाय जटाधराय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। व्याघ्र चर्मधारी चिता भस्म को लगाने वाले, भाल में तीसरा नेत्र धारण करने वाले, मणियों के कुंडल से सुशोभित, अपने चरणों में नूपुर धारण करने वाले, जटाधारी और दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। पंचाननाय फणिराज विभूषणाय हिमांशुकाय भुवनत्रमंडिताय आनंद भूमि वरदाय तमोमयाय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। नागराज रूपी आभूषणों से सुसज्जित, सुवर्ण के समान वस्त्र वाले अथवा सुवर्ण के समान किरण वाले, तीनों लोकों में पूजित आनंद भूमि काशी को वर प्रदान करने वाले, सृष्टि के संहार के लिए तमोगुण विष्ठा होने वाले तथा दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। भानु प्रियाय भव सागर तारणाय कालांतकाय कमलासन पूजिताय
नेत्रत्रयाय शुभलक्षण लक्षिताय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। सूर्य को अत्यंत प्रिय अथवा सूर्य के प्रेमी, भवसागर से उद्धार करने वाले, काल के लिए भी महाकाल स्वरूप, कमलासन से सुपूजित, तीन नेत्रों को धारण करने वाले, शुभ लक्षणों से युक्त तथा दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। प्रियाय रघुनाथ वर प्रदाय नाग प्रियाय नरकारणवतारणाय पुण्येषु पुण्य भरिताय सुरार्चिताय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को अत्यंत प्रिय अथवा राम से प्रेम करने वाले, रघुनाथ जी को वर देने वाले, सर्पों के अति प्रिय, भवसागर रूपी नरक से तारने वाले, पुण्यवानों में अत्यंत पुण्य वाले, समस्त देवताओं से सुपूजित तथा दरिद्रता रूपी दुख के नाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। मुक्तेश्वराय फलदाय गणेश्वराय गीता प्रियाय वृषभेश्वर वाहनाय मातंग चर्म वसनाय महेश्वराय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। मुक्त जनों के स्वामी रूप, चारों पुरुषार्थों को फल देने वाले, प्रमथादि गणों के स्वामी, स्तुति प्रिय नंदी वाहन, गज चर्म को वस्त्र रूप में धारण करने वाले महेश्वर तथा दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। ठेन कृतम स्त्रोत्रम सर्वरोग निवारणम सर्व संपत्ति करम शीघ्रम पुत्र पौत्रादिवर्धनम सुभदं पठे नित्यं सहि स्वर्गमवाप्नुयात् इति श्री वशिष्ठ विरचितं दारिद्र्य दहन शिव स्त्रोत्रम संपूर्णम्। स्त्रोत्र पाठ का फल। ऋषि वशिष्ठ द्वारा रचित यह स्त्रोत्र समस्त रोगों को दूर करने वाला, शीघ्र ही समस्त संपत्तियों को प्रदान करने वाला और पुत्र पौत्र आदि वंश परंपरा को बढ़ाने वाला है। इस स्त्रोत्र का जो मनुष्य नित्य तीनों कालों में पाठ करता है उसे निश्चय ही स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। इति श्री वशिष्ठ रचितम दारिद्र्य दहन शिव स्त्रोत्रम संपूर्णम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।